created with free. में साबत छिलका साबत इस्पगोल नहीं बल्कि इस्पगोल का छिलका ही लेना है एक चम्मच और इसके बाद आपने हल्दी लेनी है साबत हमें दोनों चीजें खालस चाहिए आप इस्पगोल का छिलका उससे स्पेशली कह दीजिए पंसार से कि आपने मेडिसिन बनानी है ताकि वो आपके साथ थोड़ी रायत बरतते हुए आपको अच्छे वाला दे दे और हल्दी की आपने गांठी ले लेनी है साबुत हल्दी ले लेनी है उसको सुखा के खुद पीसे वो बिल्कुल खालस होगी एक एक चुटकी आपने हल्दी की लेनी है एक चम्मच इस्पगोल का छिलका और एक चुटकी हल्दी की अब इन दोनों को आपने एक गिलास पानी में मिक्स करना है सुबह नाश्ते के बाद एक गिलास पानी में मिक्स करना पानी नॉर्मल भी हो सकता है लेकिन बर्फ वाला पानी नहीं लेना आपने कोशिश करें कि आप घड़े का पानी लें जो मट्टी के मटके होते हैं घड़े होते हैं उसमें आप अपने लिए जो मैदे के मरीज अपने लिए पानी भर के रखे हैं स्पेशली इस नुस्खे के लिए आप वो पानी इस्तेमाल करें उसके और भी बहुत सारे फायदे आपको इंशाल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में लाजमी बताऊंगी आपने एक चुटकी इसमें एक गिलास पानी में हल्दी की डालनी है और एक चम्मच इस्पगोल का छिलका डालना है अब आपने छिलके को फूलने नहीं देना उससे पहले आपने फटाफट से उसको हिला के पी जाना है अगर आप उसका एक दो सेकंड मिनट भी वेट करेंगे तो वो फूल जाएगा जेली सी बन जाएगी आपने ऐसे नहीं होने देना बस दोनों को घुमाया हिलाया और पी जाना है तो आपने नुस्खा डेली करना है 30 दिन आपने इसको रेगुलर करना है उसके बाद आपके जो है वो मैदे का अल्सर जो है इंशाल्लाह ताला आप टेस्ट करवा लीजिएगा बिल्कुल खत्म हो जाएगा और इसको नॉर्मल रखने के लिए आप कोशिश करें कि इसको जारी रखें तो टिप हमारी जो है वो खत्म हो गई है नुस्खा खत्म हो गया उम्मीद करती हूँ कि आप दोस्तों को लाजमी ये पसंद आया होगा और आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करेंगे इसके बाद रिक्वेस्ट है उन दोस्तों से जो पहली दफा चैनल पे आए हैं पहली वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फायदा हो सके इसलिए आप लोग इसको शेयर भी जरूर करिएगा अब चलते हैं हम आज के लेसन की तरफ जिसमें मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है अगर आप बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे आप लोग इस बात पे गौर के साथ साथ अमल भी लाजमी करिएगा और इसके बाद आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी लाजमी करें और मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और मुझे दीजिए इजाजत और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए अपनी खूबसूरती का सेहत का और अपने पेरेंट्स का मुझे अपनी दुआ में याद रखिए नई वीडियो में और जबरदस्ती टिप लेके आऊंगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज़